तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, समुद्री तट वाले राज्य को याद करने की ट्रिक लाया हूँ। तो इसमें क्या है कि जो भी समुद्री सीमा से लगने वाले राज्य हैं उनको सभी को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनको याद करने की एक बेस्ट ट्रिक लाया हूँ। तो इनको याद करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से राज्य समुद्र से टच करते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये हमारे भारत का निचला हिस्सा है, दक्षिण भारत। तो इसमें कौन कौन से राज्य टच करते हैं? एक अपना गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र, और एक छोटा सा गोवा है। तो गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और लास्ट में पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से 9 राज्य समुद्री सीमा को टच करते हैं। तो इनको याद करने की एक बेस्ट ट्रिक लाया हूँ। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी ट्रिक है कि गम काटो पश्चिम बंगाल में, और लास्ट में जी, गम काटो पश्चिम बंगाल में जी, है ना? ठीक है, तो ये अपनी याद करने की ट्रिक है। अब देखते हैं इसके क्या क्या अर्थ बनते हैं। तो दोस्तों, हमारी ट्रिक में सबसे पहले शब्द आ रहा गम, ठीक है। तो गम से क्या बनता है? गुजरात और महाराष्ट्र। ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र। और अपना नेक्स्ट कोई शब्द है काटो, काटो से देखो, क से कर्नाटक, क से केरल, और ट का हम त मान लेते तो तमिलनाडु, और आखिरी में ओ आ रहा, तो ओ से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बन गया, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल वैसे का वैसा, पश्चिम बंगाल वैसे का वैसा मान लेंगे। और जी से बन जाएगा अपना गोवा, जी से क्या बन जाएगा? गोवा बन जाएगा। अब दोस्तों, एक फेमस क्वेश्चन पूछता है वो कि सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा टच करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, अपन ने सबसे पहले कौन सा लिया है? गुजरात लिया है। तो सबसे ज़्यादा कौन टच करेगा? गुजरात। और सबसे कम कौन करेगा? गोवा। तो आप अपन को इस ट्रिक से ये भी याद हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा टच करने वाला गुजरात और सबसे कम टच करने वाला गोवा है, और अपन इसके इससे आसानी से याद कर लेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, धन्यवाद।